फैमिली, मैं बनाने जा रही हूँ आज पास्ता। यह है गार्लिक लहसुन, ये मेयोनीज है, तंदूरी मेयोनीज है, ये वाइट वाली है, ये हमने शिमला मिर्च लिया है ऐसे काट रखा, ये दो तरह की है, प्याज है, और ये हमने पास्ता उबाल रखा है। साथ में है पिज्जा सीजनिंग, पिज्जा सॉस और चिल्ली फ्लेक्स। पहले तो हम इसका बनाएंगे, तो यहाँ पे गैस ऑन करते हैं। हमने एक पैन चढ़ा दिया है, तब तो हम ये सारा वेजिटेबल सॉटे कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, थोड़ा सा डाल देंगे गार्लिक, हमारा ब्राउन हो जाएगा। डाल देंगे ये सारी सब्जियां, हल्का सा ब्राउन कर लेंगे प्याज शिमला मिर्च को। पास्ता में डालना है, एक चटनी भी डाल देंगे। सॉटे कर देंगे, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है, क्रंच बनी रहे सब्जियों की। डाल दिया नमक, हमारी हल्की सॉफ्ट हो गई है, इसको कर देंगे दूसरी तरफ, हटा देंगे दूसरी कढ़ाई। हमने ऑयल डाल रखा है, ऑयल हमारा गर्म हो जाए, इसमें हम डाल देंगे गार्लिक। डाल दिया इसमें भी गार्लिक, गार्लिक को भी ऐसे रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा भून भी लेंगे, ब्राउन कर लेंगे। प्याज इसमें भी डालेंगे, मतलब प्याज और गार्लिक ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें डाल देंगे मेयोनीज। ये ना दोनों तरफ डाल देंगे इसमें, डालूंगी चिल्ली फ्लेक्स, डालूंगी पास्ता, बॉईल करके रखा हुआ था, सारा को मिक्स कर लेंगे।
सकते हो, इसमें दूध भी डाल सकते हो। सारी सब्जियां डाल देंगे, फ्राई करके रखी है, इसे मिक्स करना है सारा। हमारे पास चीज नहीं रही तो हम इसमें चीज भी डाल देते, चीज हमारी खत्म हो गई है। मटर कोई खाता नहीं हमारे यहाँ। इसमें हमने जो सब्जियां सोटे कर रखी थी ये भी हम इसमें डाल देंगे। डालेंगे नमक, हमने पहले भी डाला है, नमक कम डालेंगे। तैयार हो रहा है, इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हो, टमाटर सॉस भी डाल दीजिए। हमारा बन गया, उसमें थोड़ी सी डाल लेंगे सॉस, इससे और अच्छा टेस्ट आ जाता है सॉस डालने से। पास्ता की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। पास्ता मेरा बन के तैयार है, हमारा पास्ता बन के तैयार है, देखिए।